अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि आप, हमारी रमज़ान की सीरीज चल रही है, तो आज है आठवां रोज़ा। तो मैं पहुंचा हूं आज गुड्डू भाई के हाउस पर, आज है रोज़ अफ्तार। तो चलिए, कुछ आज जो है चीफ गेस्ट भी आ सकते हैं, शेखर जो नगीना लोकसभा सीट के उम्मीदवार। तो चलिए करते हैं ज्वाइन और दिखाते हैं आपको आज की है अफ्तार पार्टी। आप देख सकते हैं नगीना लोकसभा सीट के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच चुके हैं। हेलो सर, तो दोस्तों रमजान है, रमजान का महीना मुबारक चल रहा है। कितनी बहारें, कितनी नेमतें और कितने तोहफे लेकर के जो है हमारे बीच मौजूद है। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये महीना दिया और हम इसकी कदरदानी करने वाले बने। तो दोस्तों, आज है गुड्डू भाई के घर पर ये इफ्तार पार्टी, जहां पर पहुंचे हैं नगीना लोकसभा सीट के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद जी। मैं कोशिश करूंगा उनसे चंद गुफ्तगू करने की। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं नेटवर्क के तमाम हजरात यहां पर जो है आज इस इफ्तार पार्टी में जुड़े हैं और यहां पर पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आज की ये महफिल। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? ये जो है ना, ये का काम नहीं है जी। मैं सियासत को कई जगह राजनीति धर्म धार्मिक से दूर रखता हूँ, ये मेरा अपना नेचर है जी। मैं जब यहाँ से उठ जाऊंगा तब आपसे बात। तो सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ज्वाइन कर लें, आ जाए बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं तमाम हजरात माशाल्लाह यहाँ पर जो है आज की इफ्तार पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत समा नूरानियत जय कह लीजिए यहाँ पर जो है झलक रही है और तमाम लोग बैठे हुए हैं रोजे के इंतजार में। आप देख सकते हैं तमाम नियमतों के साथ आज का ये आठवां रोजा हम जो है इफ्तार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के चीफ गेस्ट भी यहाँ पर जो है पधार चुके हैं, नगीना लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं। फर्स्ट टाइम जो है कोई उम्मीदवार मिला है इस सीट को, जो दमदार है, बेबाक। तो करते हैं रोज़ अफ्तार और इंशाल्लाह उसके बाद होगी गुफ्तगू आप लोगों से। तो खजूर। टाइम हो चुका, सभी लोग जो है रोज़ अफ्तार रहे हैं और यहाँ पर जो है खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, बिरयानी के साथ जो है आज अफ्तार का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। देखिए, लोगों को, मेहमानों को सर्व करते हुए बिरयानी, इधर भी ले आओ भाई साकिब, यहाँ पर जो है बिरयानी सर्व करते हुए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है गर्मा गर्म बिरयानी जी। आज यहाँ अफ्तारी के कार्यक्रम में है तो सर, मेरी वीडियो खुद बनाते हुए देखिए आप, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त आपके इस सीट को उम्मीदवार मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि पूरे दिन के सब लोग रोजेदार हैं तो आराम से पहले जो है ना जी बिल्कुल तारी कर ले, फिर हम लोग बात कर लेंगे जी। ओमपाल जी भी हमारे साथ हैं यहाँ, राफत भाई के साथ, तमाम हमारे साथी और यहाँ मुरादाबाद के हमारे सीनियर साथी, ये सब लोग जो हैं यहाँ। और मैं चंद्रशेखर आजाद, आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं नेटोर से कि नेटोर में आज क्या चल रहा है और नेटोर में जो अब तक चलता है नगीना में वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों की आवाज बन रही है। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग इनके चैनल को देखते रहिए। माशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत रहा, जैसे कि आपने देखा शेखर जी ने खुद हमारा कैमरा लेकर के थोड़ा सा व्लॉग बनाया। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चंद्रशेखर जी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं गुफ्तगू।
फैसल लाना साहब चंद्रशेखर जी को शॉल ओढ़ाकर यहाँ पर इनका स्वागत करते हुए सम्मानित किया है यहाँ पर फैसल भाई ने। और ये जो है कलर पार्टी का कलर, ये जो है पगड़ी बांधते हुए शेखर जी के। तो ट्रेडिशनल तौर पर यहाँ पर जो है शेखर जी खुद पगड़ी बांधते हुए पार्टी का कलर है यहाँ पर जो है लोग सम्मानित करते हुए, और यहाँ पर फैसल राणा जी और तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं इस वक्त। तो बहुत ही दमदार उम्मीदवार इस वक्त जो है इस सीट को मिले हैं शेखर जी। तो तमाम लोग यहाँ पर जो है शेखर जी से मुलाकात करते हुए उनको सम्मानित करते हुए। और इंसाफ परस्त और पहली बार नगीना लोकसभा सीट को मजबूत कैंडिडेट शेखर जी के रूप में, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है आप इस सीट से जो है चुनाव लड़े। हमारी दिल से आवाज थी आप इस बार हमारे साथ। मेरी एक बार मेरे भाई जो ताकत हमारे संघर्ष से हमारे साथी मैंने से हासिल की भाई, वो तमाम साथी हम वो कहते ना मैं अकेला ही चला था मंदिर ले जाने लोग मिलकर काफिला बन, जब मैं तो बहुत कम लोग मेरा भाई आज नहीं है दुनिया में सलीम, लेकिन इन लोगों ने जो खिदमत की लोगों के प्यार पैदा किया आज उससे बहुत बड़ा काम, लेकिन एक से एक शानदार भाई जो है वो आज मेरे कंधे में लगे हुए हैं। जंग मैं तो जंग ही बांधा जंग वो इसमें जो है योगदान दे रहा है, मेरा मेरा भरोसा है कि कहते ना कि जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है, तो हम हिम्मत वाले लोग हैं। आप देखना जिस दिन मैदान में उतरेंगे मैदान के सारे नियम बदल। तो इसमें कोई शक नहीं है, एक जंग है जो लड़ रहे हैं शेखर जी। आज यहाँ पर पहुंचे हैं एक इफ्तार पार्टी में गुड्डू भाई के घर पर, तो तमाम यहाँ के लोग हाजी जी भाई जान वो कहाँ है, हाजी जी यहाँ पर जो है मिलते हुए वो कहाँ है शेखर जी से। तो तमाम जिम्मेदार हजरात अब माशाल्लाह बाद में खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले चुका हूँ माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बहुत ही जबरदस्त मसाले वाली बिरयानी। नहीं सर मैं यहीं था, आप बिजी थे दूसरी जगह। अरे माशाल्लाह आपसे कम। तो ये तमाम वो भाई हैं जो उस वक्त लगे हुए थे खाना खिला रहे थे, अभी ले रहे हैं बाद में तमाम लोगों के बाद खाना यानी इफ्तार पार्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लोग ले रहे हैं खाना तमाम मेहमान हजरात को खाना खिलाने के बाद। दोस्तों आज की इफ्तार पार्टी और उसमें जो है सोने पे सुहागा चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर तमाम हजरात पहुँचे हैं हमारे बीच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम मेहमान मैं थोरिया साहब से तो वाकिफ हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार अशोक है। अच्छा, और मैं मेरठ से आया हूँ। अच्छा, आपका स्वागत है सर, बहुत अच्छा लगा। ये एक आपस में भाईचारे की भावना है, सब एक साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस तरह के त्यौहार होते रहने चाहिए। बिल्कुल अच्छा। तो मेरठ से पहुँचे हैं तमाम मेहमान और आप? मेरा नाम नवीन कुमार है, ये नेटोर से हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो हमारे भाई खड़े हुए हैं, कैसे हैं? ये मुकीम साहब जी, मुकीम भाई। तो पहुँचे हैं आज की इस तकरीब में इफ्तार पार्टी में तमाम लोग नेटोर से बाहर से, और नेताजी अभी थोड़ा बिजी है, हम बात करने की कोशिश करेंगे उधर भी। जवान लग रहा है दोस्तों, ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया था। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सही आ रहा, ठीक है।